हाल ही में JBL के वेव फ्लेक्स का प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। 3000 रुपीज में मिलने वाले ये फोन अभी आपको 2600 में मिल रहे हैं, जहां पे आपको 300 रुपीज का वाउचर मिल जाएगा। 2300 में मतलब 2500 रुपीज के अंदर ये फोन आते हैं। ये फोन मैंने 5 से 6 महीने पहले यूज किए थे एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए मैंने 5 से 6 दिन को यूज किया लगातार। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से, मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। हर कोई जानता है JBL एक प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, बट क्या वो बजट में सेम चीज मेंटेन कर पाता है? सो यहाँ पे पूरा जो फिनिश यूज किया JBL ने अपने प्रोडक्ट पे वो है मैट फिनिश, कम स्क्रेच अट्रैक्ट कर रहा है। JBL की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग आपको देखने मिल जाएगी। पीछे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, सामने LED इंडिकेटर मिलता है, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन के साथ आता है। एंड जो इसका हिंज है ना, वो स्प्रिंग है, लाइक इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, बट बट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप इसको फ्लिक करेंगे, आपके ईयरफोन्स बाहर केस के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ईयरफोन्स मिल जाएंगे। राइट लेफ्ट का इनिशिएशन देखने को मिल जाएगा एंड ये हाफ इन ईयर एंड इन ईयर विच मीन सिलिकोन ईयरबड्स उनके बीच में कहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हाफ इन ईयर वाला सेक्शन है ना, वहां पे थोड़ा सा सिलिकोन ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से जिन लोगों को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बिकॉज ऑफ हाफ इन ईयर, वो थोड़ा सा कम डिस्कम्फर्ट होगा, बट एक्चुअल में ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। सिलिकॉन नेटिव ईयरबड्स यूज करते हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, इन कंफर्टेबल फिटिंग नहीं आपको मिलती इन द लॉन्ग ड्यूरेशन। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे JBL 5.2 ब्लूटूथ वर्जन यूज कर रहा है। आपको गूगल फास्ट पेयरिंग मिल जाएगी, बट कोई भी डुअल पेयरिंग का सपोर्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलता। एंड एक मेजर दिक्कत लगी मेरे को, वो लगी इसकी एप्लीकेशन कनेक्टिविटी। एंड एप्लीकेशन कनेक्टिविटी कुछ स्टेप्स है, कई बार ये ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एंड कई बार ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होते, तो से 3 बार ट्राई करना पड़ता है केस में इनको वापस रख के, तब जाके कहीं पे ऐप में कनेक्ट होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी इनका अपडेट नहीं आया अभी तक, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। नॉर्मली आपने देखा होगा JBL उतना बड़ा साउंड ड्राइवर यूज नहीं करता, 6 mm के आपको ऑडियो ड्राइवर्स देखने मिलते हैं, बट यहाँ पे 12 mm के ऑडियो ड्राइवर्स हैं। एक रीजन है, ये सिलिकॉन नेटिव्स के साथ नहीं आते, जिसकी वजह से बड़ा ड्राइवर रखना जरूरी था ताकि आपको एक बेटर क्वालिटी बेस मिल पाए अगर आप बेस खोज रहे हैं तो। जी हाँ, वो ये कुछ हद तक डिलीवर कर सकता है, बट सिलिकॉन से अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो ये उनको बीट नहीं कर पाएगा। अब साउंड क्वालिटी यार JBL नाम अपना बचा लेता है, यहाँ पे आपको काफी बेटर साउंड सिग्नेचर मिलता है। वीडियोस देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, किसी टाइप का भी आपको काफी बैलेंस एंड ग्रेट ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, बट थोड़ा सा कैच यहाँ पे, अगर आप मूवीज या वीडियोस देख रहे हो ना, वहां पे आपको माइनर सा लाइक 1 से 2 सेकंड का डिले फेस होगा। ऑडियो वीडियो उतना सिंक्रोनाइज्ड यहाँ पे नहीं है, जो कि आपको हर किसी ईयरफोन्स पे किसी भी प्राइस ब्रैकेट पे आजकल देखने के लिए मिल जाता है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है, JBL ने यहाँ पे IPX2 की रेटिंग दी इनके केस को एंड IP54 की रेटिंग दी इनके ईयरफोन्स को, विच मीन डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टेंट ईयरबड्स आप ड्यूरिंग वर्कआउट यूज कर सकते हैं अंडर द कंडीशन आप हाफ इन डिजाइन के साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये ईयर से जल्दी पॉपअप हो जाएंगे एंड आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, इधर उधर मूवमेंट होगी जिसकी वजह से ये ईयर से बड़े ही आराम से गिर जाएंगे, तो ये दिक्कत आपको डेफिनेटली हमें आने वाली है। हमने एप्लीकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है एंड एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो इक्विलाइजर आपको मिलते हैं 5 प्रीसेट वाले, जिसको आप यूज कर सकते हो ऑडियो कस्टमाइजेशन एंड आप खुद के कस्टम प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा आपको एम्बिएंट मोड एंड टॉक थ्रू मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं। एम्बिएंट मोड यहाँ पे आपको मिलता है इवन दो ANC नहीं मिलता, तो अगर आप ऐसी कंडीशन ही होगी कि आपको आपके सराउंडिंग का साउंड नहीं सुन रहा, बट अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं उस टाइम पे भी आपको सराउंडिंग का साउंड सुनना है, इंपॉर्टेंट नॉइसेस पे फोकस करना है, तो वो चीज आप कर सकते हैं वाई एम्बिएंट मोड। एंड टॉक थ्रू मोड एज डिफाइन इटसेल्फ, जब आप टॉक थ्रू मोड इनेबल करेंगे तो ये ईयरबड्स की वॉल्यूम को 20-30% तक ला देगा, ताकि आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाए बट बिना किसी प्रॉब्लम के। नाउ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दीज फोन्स, इट्स बैटरी बैकअप। सिंगल टाइम चार्जिंग में 8 घंटे क्लेम कर रहे हैं, बट इन एक्सट्रीम कंडीशन एज वेल आपको 5 to 6 hours के बीच में बैटरी बैकअप देखने मिल जाएगा। आई सेड एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पे अदर ईयरफोन्स जितना बैटरी बैकअप क्लेम करते हैं उनसे हाफ बैटरी बैकअप ही वो मेंटेन कर पाते हैं, बट इनके साथ वो चीज नहीं है। ग्रेट बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है, लॉन्ग सेशंस में आप इनको यूज कर सकते हैं अगर उतने टाइम तक आप इनको कंफर्टेबली यूज कर पाए। केस के साथ टोटल 32 hours का बैटरी बैकअप ये क्लेम कर रहे हैं। गेमिंग के लिए कोई भी गेम मोड नहीं मिलता, बट मैंने ट्राई आउट किया यार लॉन्ग ड्यूरेशन में, कभी कभी जरूरत पड़ जाती थी तो खेला है गेम। एंड कैजुअल गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं एक बार के लिए, बट यार लेटेंसी यहाँ पे आपको मिलेगी बिल्कुल, मजा नहीं आएगा एंड कहीं ना कहीं आपको दिक्कत लगेगी इन टर्म्स ऑफ गेमिंग लेटेंसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन जो ना, यहाँ पे आपको कोई क्वाड माइक्रोफोन सेटअप नहीं मिलता, ANC नहीं मिलती, ANC मिल जाती है तो आप इंडोर तो बड़े ही आराम से कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट जब आप जाते हैं आउटडोर में जहां पे नॉइस काफी ज्यादा इन्वॉल्व है,
हैवी नॉइस आपको देखने मिलेगा, तो वहां पर ये ईयरफोन्स डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि यार दो माइक जस्ट वॉइस को ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी इस टाइप का फंक्शन नहीं है कि बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल आउट करें या फिर उसको मिनिमम करें, वो ईएनसी ही कर सकता है, बट क्वाड माइक्रोफोन होते हैं तो और बेटर कॉल क्वालिटी मिल जाती है। तो आप एक्सट्रीम नॉइसी प्लेसेस पे लाइक ट्रैफिक में है या फिर पब्लिक प्लेसेस, मेट्रो, ट्रेन वगैरह में है, तो वहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, माइक्रोफोन उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट काम चल जाता है। केबल के ईयरफोन्स का माइक्रोफोन कुछ इस टाइप से परफॉर्म करता है, एंड जो ये अंडर 3000 ईयरफोन्स है जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं इस वीडियो में। हाउएवर आउटसाइड में मेरे को इतना कोई मेजर फिजिकल नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं मिली, एंड ये आते हैं प्लास्टिक ईयर टिप्स के साथ, तो वो चीज है भी नहीं, एंड इवन दो यहाँ पे ईएनसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता, प्योरली ये म्यूजिक बेस्ड ईयरफोन है, बट ओवरऑल ये माइक्रोफोन आपको। सो बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की, तो काफी सारी दिक्कतें हैं इन ईयरफोन्स के साथ, उसके साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। पहले दिक्कत बात करते हैं, तो हर किसी के ईयर साइज के हिसाब से ये बेटर फिटिंग नहीं देंगे, वो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन पार्ट है ईयर फिटिंग। सेकंड चीज, कॉलिंग क्वालिटी एक्सट्रीम कंडीशन में नॉइसी प्लेसेस पे उतना बैटरी ये मेंटेन नहीं कर पाते, कोई भी गेम मोड नहीं मिलता, कोई भी एएनसी यहाँ पे नहीं मिलता, इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलता, डुअल पेयरिंग नहीं मिलती, तो इस टाइप के इस बजट पे आपको ईयरफोन्स मिल जाते जो ये सारे फीचर एंड फंक्शनैलिटी ऑफर कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो नहीं मिलता। बट अगर आप एक ग्रेट ऑडियो डिवाइस खोज रहे हैं जहाँ पे आपको साउंड में कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े, बेटर बेस, बेटर क्लैरिटी, एक ग्रेट साउंड सिग्नेचर मिल जाए, तो वो चीज ये डेफिनेटली कर सकते हैं आप लोग के लिए। सो आपको डिसाइड करना है आप म्यूजिक के लिए जाना चाहते हैं या फिर अदर फीचर एंड फंक्शन आप लोग के लिए म्यूजिक से ज्यादा मैटर करते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या है आपकी ओपिनियन, क्या है आपके व्यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।